हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज नाइन्थ क्लास में लेक्चर 75 है ये। हम चैप्टर 11 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने किया एक्सरसाइज 11.1 को कवर, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो पिछली बार की तरह इस बार भी अपने साथ रफ नोटबुक, स्केल, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, डी जो भी प्रकार जो भी चीजें हैं अपने पास रख के बैठिए। जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मेरे साथ बराबर बराबर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बीच बीच में वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम क्या है? फर्स्ट सम, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। आपको एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनानी है एबीसी। और क्या क्या दे रखा है? एक तो बीसी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, एक कोण दे रखा है बी 75 डिग्री का, और ए बी प्लस ए सी दो भुजाओं का जोड़ दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको कंस्ट्रक्ट, साथ साथ बनाइएगा। आपने लेनी है बी सी साइड कितने सेंटीमीटर की? 7 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और स्केल से अपने रफ नोटबुक में 7 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब क्या करना है हमें, कोण भी दिख रहा है साफ साफ कि बी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 75 डिग्री का, और 75 डिग्री का एंगल हमें बनाना आता है। प्रकार खोला, बी पे रखा, एक चाप लगाई, फिर हमने क्या किया 90 डिग्री का एंगल बनाया, बट हमें तो किसका बनाना है 75 का। तो थोड़ा बड़ा प्रकार खोला, एक बार 60 पे रख के चाप लगाई और एक बार 90 पे रख के चाप लगाई, और ये बन गया हमारे पास 75 डिग्री का एंगल। अब और चीज हमें क्या दिख रही है? हमें दिख रहा है ए बी प्लस ए सी क्या है, 13 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली अब हम इसका भी यूज करेंगे, तो अब आपने क्या करना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का प्रकार खोलिए। काफी स्केल से थोड़ा ही छोटा होगा, काफी बड़ा हो जाएगा, बट साइज दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 13 सेंटीमीटर का आपने प्रकार खोलना है, बी पे रखना है, और जो ये 75 डिग्री एंगल वाली लाइन है ना, इसको काट देना है। ठीक है, साइड में आप लिख भी सकते हैं 13 सेंटीमीटर, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, इसको मैंने नाम दे दिया डी। नेक्स्ट स्टेप, आपने डी और सी को आपस में मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी। बी सी तो मिल गया, अभी ए नहीं मिला है, तो ए को ढूंढेंगे। अब ए हमें कैसे मिलेगा, हमें जो लाइन दिख रही है डी सी, हम करेंगे इसका समद्विभाजक, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करना हमें आता है, कोई भी लाइन आपको दे रखी हो, अगर इस लाइन का आपको हाफ करना है तो आधे से ज्यादा हम प्रकार खोलेंगे, एक बार यहां रख के चाप लगाएंगे ऊपर और नीचे लाइन के, उतना ही प्रकार रखेंगे, दूसरे पॉइंट पे रख के चाप लगाएंगे, और इन चापों को काटते हुए बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, तो ये हमें क्या मिल रहा है, लाइन का बाइसेक्टर मिल रहा है, लाइन का रेखाखंड का समद्विभाजक मिल रहा है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, यहाँ हम किस लाइन का आधा करेंगे, डीसी का। तो आधे से ज्यादा प्रकार खोला, एक बार चाप इधर, एक बार चाप इधर, फिर डी पे रख के इनको काटा, और जब इन्हें मिलाया तो ये क्या करेंगे, 75 डिग्री वाले कोण वाली लाइन को कहीं ना कहीं पे मीट करेंगे, इसको डॉटेड ही रखना है आपने, और जहां पे भी ये 75 डिग्री वाले कोण वाली लाइन को मिले आपने उसको क्या नाम दे देना है, ए। ए सी को मिला दीजिए। आपने जो त्रिभुज बनानी थी ए बी सी, ये वही त्रिभुज है। वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप ए बी को स्केल से नापे, एसी को स्केल से नापे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो उस चीज को आप दोबारा से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों भुजाओं का जोड़ 13 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब आपने सही फिगर को ड्रॉ किया है। दोबारा देख लीजिए बच्चे कैसे किया, 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची, बी पे 75 डिग्री का कोण बनाया, 13 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, बी पे रख के और इस 75 डिग्री वाले कोण वाली लाइन को काट दिया, इसे नाम दिया डी, डी सी को मिलाया, डी सी का समद्विभाजक करा, और जिस बिंदु पे 75 डिग्री वाले कोण वाली लाइन को इसने काटा उसे क्या नाम दिया, बिंदु ए। ए और सी को मिला दिया, और यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है।
अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चे क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। अगेन आपको त्रिभुज बनानी है एबीसी। अब क्या दे रखा है, बीसी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एंगल बी दे रखा है अब आपको 45 डिग्री का, और ए बी माइनस ए सी ये कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो लगभग क्वेश्चन सेम है, फिर ये फिगर आपके पास क्या है अलग है। तो हम लाइन खींच रहे हैं बी सी कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें कोण दे रखा है बी पे कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, और 45 डिग्री का एंगल हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कैसे बनाना है। बी पे प्रकार रखा थोड़ा सा खोल के और ये चाप लगा दी, ये एक चाप और ये हमारे पास बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। बट हमें 90 का नहीं बनाना है, हमें बनाना है 45 का। हम क्या करेंगे, इस कोण का आधा। तो थोड़ा सा ज्यादा प्रकार खोला, एक चाप लगाई, 90 पे रखा, एक चाप लगाई, और ये बन गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। अब हमने क्या करना है, और हमें क्या दिख रहा है, ये देख रही है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोला है बी पे रख के और इसको काट दिया, क्या नाम दिया है डी, और डी सी को मिला दिया। अगेन हम पिछले बार की तरह क्या करेंगे, डी सी वाली लाइन का क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार खोला, एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर डी पे रखा, ये हो गया हमारे पास लाइन का समद्विभाजक। और ये 45 डिग्री वाले कोण को जहां पे भी मिलेगी वो बिंदु आपके पास क्या हो जाएगा, ए, ए सी को मिला दीजिए। यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा था, ए बी प्लस ए सी दे रखा था, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, ए बी माइनस ए सी दे रखा था। पिछले क्वेश्चन में हमने जब लाइन का आधा किया तो वो उसके अंदर आ रहा था, यहाँ पे जब हम लाइन का आधा किया है तो डी बी सी के बाहर जा रहा है, दोनों में ये डिफरेंस आ प्लस और माइनस की वजह से। बाकी काम हमने सेम किया, बी सी लाइन ली 8 सेंटीमीटर, फिर बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, 3.5 सेंटीमीटर प्रकार खोला, बी पे रखे से काट दिया, इसे नाम दिया डी, डी सी को मिला दिया, फिर डी सी का आधा किया, आधे वाली लाइन 45 डिग्री के कोण को जहां पे वे मीट करेगी वो हमारा पॉइंट क्या होगा, ए, ए को सी से मिला दिया, और यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चे, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज बनानी है, पिछली बार नाम एबीसी था अब नाम दे दिया पी क्यू आर, इन विच क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, एंड पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है, कैसे अलग है देखिए जरा। ट्रायंगल का नाम क्या था, ए बी सी, और हमें क्या दिया हुआ था, ए बी माइनस ए सी दिया हुआ था। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, और हमें दिया हुआ है पी आर माइनस में पी क्यू, पी आर माइनस में पी क्यू। यहाँ पे ए बी माइनस ए सी दे रखा था, यहाँ पे पी आर माइनस पी क्यू दे रखा है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो गया दोनों स्टेटमेंट पे। वो डिफरेंस कहाँ आएगा देखिए जरा, क्यू आर हम लाइन लेते हैं 6 सेंटीमीटर की, क्यू पे बनाना है 60 डिग्री का कोण, यहाँ पे प्रकार रखा थोड़ा सा खोला एक चाप लगाई और ये बन गया 60 डिग्री का कोण। अब देखिए हमें 2 सेंटीमीटर काटना है, बट हम यहां नहीं काटेंगे, साइड चेंज होने की वजह से हम क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे की तरफ बढ़ा देंगे और अब 2 सेंटीमीटर हम इसे काटेंगे, इसे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, S नाम दे दिया, S और R को हम मिलाएंगे। अगेन अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का बाइसेक्ट करेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार खोला, यहाँ पे चाप, फिर R पे रखा ये चाप, और ये हमने लाइन का बाइसेक्टर कर दिया और ये मिला यहाँ पे, इसको नाम देते हैं हम P, और ये बन गया आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर।
ठीक है बच्चे, देखिए साइड माइनस की ही तब थी, पिछले क्वेश्चन में माइनस की ही अब थी, सिर्फ हल्का सा स्लाइटली चेंज होने की वजह से आपके क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दोबारा देखिए, क्यू आर आपने लेना है 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू हमें 60 डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का एंगल बना दिया, 2 सेंटीमीटर हम काटेंगे, बट किसको, 60 डिग्री वाली लाइन को अपोजिट साइड बढ़ा के उसे हम 2 सेंटीमीटर काटेंगे, इसे नाम दिया एस, एस और आर को मिलाया, फिर लाइन का आधा किया, इस समद्विभाजक ने 60 डिग्री वाली लाइन को जहां पे भी काटा उसे क्या नाम दिया, पी, पी आर को हमने मिला दिया, और यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब आपको ट्रायंगल बनानी है, इस बार नाम दे दिया है एक्स वाई जेड, बट यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस है, क्या है, एंगल वाई तो दिया है आपको 30 डिग्री का, एंगल जेड दिया है आपको 90 डिग्री का, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है 11 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का जोड़ दे दिया 11 सेंटीमीटर। अब ये तो बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, देखिए कैसे करेंगे इसे, 11 सेंटीमीटर ही हम साइड लेंगे, बट इसको कोई और नाम दे देते हैं, पी के नाम दे देते हैं 11 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमारे ट्रायंगल क्या बनानी है, एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री का होना चाहिए और ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, P पे कोण बनाएंगे, पर P पे कोण क्या बनेगा, Y का हाफ बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, P पे प्रकार रखना है, चाप लगानी है, ये बन गया 60 डिग्री का एंगल, फिर हमने क्या किया, इसका आधा किया, ये बना 30 डिग्री का एंगल, बट हमें तो कितने का चाहिए, इसका भी आधा, फिर ये हो गया इसका भी आधा, ये लाइन हमारी ये गई, कितने डिग्री का एंगल बनाया, ये बनाया हमने 15 डिग्री का। ठीक है, अब क्यू पे कितने का बनाएंगे, 90 का नहीं बनाएंगे, 45 का बनाएंगे, तो 45 का बनाने के लिए पहले 90 का बनाना पड़ेगा, ये बना 90 डिग्री का कोण, और यहां पे प्रकार रख के एक चाप, और ये एक चाप, और ये बन गया हमारा कितने डिग्री का कोण, 45 डिग्री का, ये दोनों जहां पे भी मीट कर रही है ना लाइन, इसे नाम दे दिया हमने एक्स, हमें पॉइंट हमारा क्या मिल गया है, एक्स मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, वाई और जेड, वो कैसे मिलेंगे, अभी अभी हमने देखा कि हम लाइन का हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लाइन का हाफ करेंगे, कौन कौन सी लाइन का, एक तो हम करेंगे पी एक्स का, तो आधे से ज्यादा प्रकार खोला, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, वही एक्स पे रखा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और ये मिला दिया हमने, ये जो पॉइंट मिला है ना, ये पॉइंट है आपके पास y। ठीक है, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, qx लाइन का भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे, लाइन का हाफ हमें करना आता है, और ये बन गया आपके पास पॉइंट z, हमें मिल गया। ठीक है, xy को मिला दीजिए, xz को मिला दीजिए, यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमें बनानी थी। थोड़ा सा मुश्किल था ये, बट दोबारा देख लीजिए, हमने क्या किया, 11 सेंटीमीटर हमें साइड दे रखी थी, हमने 11 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। ठीक है, फिर हमें इस साइड कौन चाहिए था, 30 डिग्री का, हमने क्या किया, 30 का भी आधा, हमने बनाया 15 डिग्री का एंगल, ये कंस्ट्रक्शन का तरीका है। ठीक है, उधर है 90 डिग्री का एंगल, बट हम 90 का नहीं बनाएंगे, हम 90 का हाफ, यानी कि 45 डिग्री का हमने यहाँ पे एंगल बनाया है, दोनों ही कोण जहां पे मीट करेंगे वो पॉइंट हमें क्या मिल गया है, x। जैसे ही हमने 15 डिग्री वाले लाइन का आधा किया, उसने p क्या को जहां पे काटा वो मिला हमें y, और जैसे ही हमने xq लाइन का हाफ किया, इसने p क्या को जहां काटा वो हमें मिल गया, हमें z मिल गया। ठीक है, एक्स वाई जेड ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, आप मेजर करके देख लेना, ये एंगल 30 डिग्री का ही मिलेगा, ये एंगल 90 डिग्री का ही मिलेगा, और तीनों भुजाओं का जोड़ 11 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है बच्चे, और अब डिस्कस करते हैं
इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए बच्चे क्या है, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल इनडायरेक्टली हमें ये क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज, मतलब एक कोण 90 डिग्री का है जिसका बेस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर का और सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अगर रफली ड्रॉ करें तो बेस तो है 12 सेंटीमीटर का, एक को 90 डिग्री का बनना ही बनना है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और इन दोनों साइड्स का जोड़ ये कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आ गया, फर्स्ट सम जो हमने किया था ना बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो ट्रायंगल का नाम नहीं दे रखा, हम खुद ले सकते हैं, हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इसे नाम दे दिया बी सी। ठीक है बच्चे, अब बी पे हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 का, ये बना दिया हमने 90 डिग्री का एंगल। अब साइड और कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है, आपने 18 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, स्केल से भी बड़ा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 18 सेंटीमीटर यहाँ पे रखे, इस लाइन को 18 सेंटीमीटर नाप के निशान लगा दीजिए, वो भी कर सकते हैं। तो ये कोई भी नाम दे दो, इसे पी नाम दे दिया, पी और सी को हमने क्या किया, मिला दिया। फिर हमने क्या करना है, हमने करना है इस लाइन का हाफ, और जैसे ही हम इस लाइन का हाफ करेंगे यहां से मिलेगा, और ये 90 डिग्री वाली लाइन को जहां पे भी काटेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, ए ए बी सी, ये आपकी क्या आएगी, रिक्वायर्ड ट्रायंगल आएगी। ठीक है, जैसे बिल्कुल आपने फर्स्ट सम किया था सेम वैसे ही है। दोबारा देख लीजिए, बी सी हमने ली 12 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी पे हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब 90 डिग्री वाले कोण वाली लाइन को कितना सेंटीमीटर काटा, 18 सेंटीमीटर काटा, इसको नाम दिया पॉइंट पी, पी सी को मिलाया, लाइन का हाफ किया, इसने 90 डिग्री वाली लाइन को जहां पे भी मीट किया उसे हमने क्या नाम दिया, ए ए सी को मिला दिया। यही हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आप नाप के देखना चाहो, ए बी और ए सी दोनों को स्केल से नाप के इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास जोड़ 18 सेंटीमीटर ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो या तो आपने एंगल सही नहीं बनाया है या आपने साइड सही नहीं ली है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन का बेस्ट तरीका है, आप इन दोनों को जोड़ना, आपकी 18 सेंटीमीटर ही आएगी। तो इसी के साथ बच्चे आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कंस्ट्रक्शंस कैसे लिखनी है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।